आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों व जनसंपर्क में जुटे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव आज सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री मलिक कमाल यूसुफ व उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अपने भतीजे व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को स्पष्ट शब्दों में अपना संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को जो भी निर्णय लेना है वे जल्द ले, चाहे वह गठबंधन से संबंधित फैसले लेने हो या फिर पार्टी को विलय को लेकर। उन्होंने कहा कि हम जिस पार्टी के साथ जाएंगे उसी की बनेगी सरकार। सरकार बनने पर हम घर में दो लोगों को दी जाएगी नौकरी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर हमारी हर घर में दो लोगों को दी जाएगी नौकरी। सभा में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा अभी 4 महीने का वक्त, हम तो चाहते हैं अखिलेश यादव आए हमारे साथ। सर आप समाजवादी पार्टी कानपुर का गुप्ता गोरखपुर पुलिस के द्वारा ये किसी तरीके से झांसी में पुष्पेंद को मारा था पुलिस ने थाने एक आगरा में इसी तरीके से। लखनऊ से लेकर कितनी घटनाएं हैं इस उत्तर प्रदेश में, लाइन आर्डर नाम की चीज नहीं है। और सुन लो ना, यहाँ पर जो गुजारे जा रहे हैं लोग बताए जाने की वजह से गुजारे जा रहे हैं। और दूसरी देखिए है, हम इसलिए भी सरकार बना जानते समाजवादी को इसलिए भी बनाना चाह रहे हैं, जो बिजली की जो परेशानी है, बिजली की तो हर व्यक्ति को जरूरत है और ये बिजली 24 घंटे नहीं दे पा रहे, वादा दिया बिजली का भी 24 घंटे वादा दिया, जो नहीं दे पा रहे हैं। छापेमारी अलग हो रही है, FIR अलग हो रही है। इसलिए देखिए हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं। सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे और 24 घंटे बिजली, सस्ती बिजली। और इसके साथ साथ हमारी सरकार बनती है तो ऐसे कानून झूठे नहीं बनेंगे, फिर हम बनाएंगे कानून को बदलेंगे बनाएंगे। हर परिवार में एक बेटे को और एक बेटी को नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की हो, और जो ये पात्र छात्र हैं जिनको नौकरी नहीं दे पाएंगे उन्हें सरकारी बजट से 5-5 लाख रुपया सर्टिफिकेट के साथ ही दे देंगे, इसलिए दे देंगे वो अपना रोजगार सदै ढूंढ लें तो कब होगी रोजगारी, फिर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो ये उजाड़ रहे हम बसाने का घर बसाने का शौक, इसलिए मैंने ये परिवर्तन रथ यात्रा निकाली। सर समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से आप हैं, कई बार मंत्री रहे, अब आखिर चाचा भतीजे में क्या ऐसा हो पा रहा है कि आप विलय के लिए बार बार उनसे आग्रह कर रहे हैं लेकिन फिर भी विलय के लिए अभी तक कोई सहमति नहीं मिली? कर रहे हैं कि सत्ता का परिवर्तन हो जाए, भारतीय जनता पार्टी बन जाए और जनता को सब सुविधाएं मिले, जनता के लिए कर रहे हैं। आप तो लगातार आग्रह कर रहे हैं लेकिन ये कि सामने से कोई रिप्लाई ठीक ठाक आ नहीं रहा है अभी तक। अब उन्हीं से पूछना, हम तो बार बार कर ही रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि जनता जो परेशान है जी। जनता जो परेशान है वो परेशान और जनता को सब सुविधाएं मिले, जनता के लिए कर रहे हैं। आप तो लगातार आग्रह कर रहे हैं लेकिन ये कि सामने से कोई रिप्लाई ठीक ठाक आ नहीं रहा है अभी तक। अब उन्हीं से पूछना, हम तो बार बार कर ही रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि जनता जो परेशान है जी। जनता जो परेशान है वो परेशान आगे चल के न रहे, जैसे ये सड़कें देखिए क्या हो रहा है, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, हमने तो इतने पूरे प्रदेश में सड़कें पुल हमारे जैसे पुल किसी ने बनाई, किसी आपके सिद्धार्थनगर जिले में कितने पुल कितनी सड़कें, और इस समय देखिए किसी की सुनी जा रही थानों तहसीलों में लेकर के यहाँ तक कि MLA की नहीं, यहाँ तक तो भारतीय जनता पार्टी के MLA और मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही, थाने और तहसीलों में नहीं सुनी जाती है। सर ये बताइए कि सपा से साथ में मिले या उसके समर्थन मिलने आपकी समय सीमा निर्धारित किए हुए हैं, कब तक आप कब तक वेट करेंगे कि कब तक आप? देखिए अभी चुनाव के 4 महीने ये बातें तो जितना चुनाव जब नजदीक आता है तभी हो जाती है। वैसे हमारा प्रयास अखिलेश से है कि जल्दी हो जाए,
अब उन्हीं से पूछ लेना आप लोग, जब आए तो पूछ लेना। गठबंधन न होने की स्थिति में क्या करेंगे? 350 वैसे मिले गांधीवादी सब लोग इकट्ठे हो जाएं, लोहियावादी सब इकट्ठे हो जाएं, चौधरी चरण सिंहवादी सब इकट्ठे हो जाएं और एक बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। मैंने कहा आज से नहीं, कहा मैं छह महीने से कहा कि मैं इन्हें मिला करके जहाँ पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी अबकी बार सरकार वही होगी। आज बनारस में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिन्ना अगर पहले प्रधानमंत्री होते तो देश का बंटवारा नहीं होता, आप ही कह रहा है? तब वो नहीं पूछ ली सर, भाजपा करी 350 प्लस हम नहीं, आपकी पार्टी, हम इसलिए नहीं जाना चाहते, हम नया इतिहास रचना चाहते हैं, पुराना इतिहास हम नहीं पढ़ना चाहते, जो कुछ है हम नया इतिहास अपने देश प्रदेश के लिए बनाना चाहते हैं, सो बनाएंगे। सर भाजपा कह रही 350 प्लस सीटें जीतेंगे, हम क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कह रही है 350 प्लस सीटें हम जीतेंगे और अखिलेश कह रहे हैं 400 जीतेंगे, तो बताओ। हाँ हम कह रहे हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी वही सरकार होगी, बताओ।